दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है, फिर तीन ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से अब जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच जाए। चाहे मुझे योगी तक भी जाना हो, मैं योगी तक भी तुझे मदद करी, फिर आके इन्होंने सहारा दिया मुझे, जब मैं जाके मैंने ये वीडियो बनाई। जैसे तू इनकी बेटी है, उससे ज्यादा तू मेरी बेटी है। अगर मुझे खून की भी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुझे खून भी दूंगी। जय हिंद, जय भारत। सर है, मैं बब्बू की लड़की हूँ, सिसोली की रहने वाली हूँ, और मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, और मैं हापुड़ गई थी महिला हेल्पलाइन के लिए, और उन्होंने मेरी सुनवाई की बहुत अच्छी तरह से, और वहाँ से हापुड़ से मेडिकल आ गए, वहाँ से मेडिकल कर दिया, रेफर करा दिया था मेडिकल। मेडिकल वालों ने मेरी सुनवाई नहीं की, और उन्होंने वो ऊपर चढ़ गए, उन्होंने केस बिगाड़ दिया। उन्होंने मेरे साथ मेडिकल वालों ने बहुत बुरा बर्ताव किया, और फिर कचहरी में मुकदमा किया, और कचहरी में मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट की, मुझे जान से मारने का गला दबाया, जान से मारने की नियत से हमला कर दिया मुझ पर मेरे ससुर ने, और उसके साथ कई गुंडे थे, और मेरे आदमी ने मेरे साथ हमला कर दिया जान से मारने की नियत से, और फिर उन्होंने मेरे साथ इल्ज़ाम लगाया, बाप से रहती है तू, और अब बताओ बाप से, ऐसा कोई बेटी बाप से रह सकती है? बाप का ऐसा इल्ज़ाम लगाता है, कोई दुनिया वालों की क्या इज्जत रह जाएगी? महिला के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है, तो ऐसी बदनामी करता है वो मेरी, कि आप ये बताओ समाज में महिला की क्या इज्जत है जो बाप से ऐसी इल्ज़ाम लगा रहा है मुझ पर, और मेरे साथ इस तरह के कि मेरे फोटो खर्च करके उस लड़के के साथ लगाता है, और मुझे बदनाम करता है, और मेरी सास जो है अपने लड़के को ले जाकर पैसा करवाती है, और अपना पैसा करती है, मुझसे भी ऐसी करवाने चाहती है, लेकिन मैं उनके वहाँ से जान बचा कर आई अपनी, और उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की शुरुआत की, और मेरी जो जेठानी है उस मेरे ससुर ने उसके साथ बलात्कार किया, और फिर मेरे देवर ने मेरे साथ किया, और उनके घर में तो ऐसा ही होता है। मेरी जेठानी भी बहुत परेशान है, वो घर बैठी है, उसके साथ भी ऐसे ही किया ससुराल वालों, मेरी जेठानी के साथ भी ऐसे ही किया, और मेरे साथ भी ऐसे ही किया। मैं तो इंसाफ चाहती हूँ, मुझे इंसाफ दिला दो प्लीज़। हमारे घर में कुछ खाने को नहीं है, मेरा बाप बहुत बीमार है, आंखों पे ऐसा कुछ करवा दिया उन्होंने कि मेरे पापा की आँख खराब हो गई, और वो घर पर बैठ गए। हमारे घर में खाने पीने की कोई गुंजाइश नहीं है, हम भूखे बैठे हैं, प्लीज़ हमारी मदद करो, हमारी सुनवाई करो। पुलिस वाले कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हमारी सुनवाई करो जल्दी से जल्दी, हमारे पैसे दे दो हमें, हमारी सुनवाई पैसा भर देते हैं वे सब लोग, पुलिस वालों को मुंह बंद कर देते हैं, और हमारी जिंदगी खराब कर दी। Yeah.
चाहते हैं कि आप सब अपने खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए और प्रसव होते ही तुरंत स्तनपान करवाइए और फल फूल खाइए और अपने स्वयं पर ध्यान दीजिए। तथा आज हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम में कन्या बालिकाओं को बुलाए हैं और उनका कन्या पूजन करने जा रहे हैं। तथा मैं अनुरोध करती हूँ कि हमारे माननीय पूनम बहन जी कुछ बोल दें। इस देश में महिलाओं का सर्वोपरि स्थान रखा है, आधी आबादी कही जाती है ये। और जिस तरह गाड़ी के दो पहिए होते हैं, समानांतर चलते हैं, स्त्री और पुरुष का समाज में एक बराबर स्थान है। बहुत समय से ही बहुत पिछड़े एरिया में या पिछड़ी मानसिकता में जो है इनको एकदम बिल्कुल दबा के रखा गया है। बाहर न निकलना और जो है शिक्षा के क्षेत्र में आगे न बढ़ना, भोजन या ऐसे परिवेश में भी इनको पिछड़ा रखना। तो अब इन तरह से जागरूकता है और होनी भी चाहिए क्योंकि इन्हें आवश्यकता पोषण की भी अधिक होती है और माताएं हैं ये, बच्चों को जन्म देती हैं तो उनका भी आहार इनको मिलना चाहिए। और कन्याएं अगर समृद्ध होंगी, अगर हमारे देश की महिलाएं समृद्ध होंगी तो हमारा देश और आगे बढ़ेगा। क्योंकि जो महिला शक्ति होती है, महिला के अंदर पावर शक्ति होती है तो अपने बच्चों की भी परवरिश बहुत अच्छे ढंग से कर पाती है। और यहाँ जो है हम लोग आचार्य नरेंद्र देव और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि की जयंती भी हम लोग मना रहे हैं। और यहाँ जो है आंगनबाड़ी केंद्र में बहन सीमा श्रीवास्तव जी के आयोजन में हम लोग प्रतिभा करते हुए कन्याओं का पूजन कर रहे हैं। और सबको एक संदेश देना चाहते हैं कि जो है अगर हमारी बच्चियाँ, अगर हमारी बालिकाएँ, हमारी माताएँ, हमारी जो है सशक्त होंगी, मजबूत होंगी तो हमारे देश का भविष्य एकदम आगे चमकेगा और एक अच्छे बच्चे, एक अच्छा वातावरण, एक अच्छे माहौल का सृजन होगा। इसलिए इनकी शिक्षा शिक्षा और इनके पोषण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जय हिंद। इधर से बढ़िया फोटो आ रहा है। मुंह खा लो, इधर से मुंह खा लो। अब भैया रुक जाओ, मैं पैर छू के नहीं तो वीडियो है। मुंह बंद है, खाओ खाओ भी ऊपर से खा लो। हाँ हाँ तुम खाओ पहले। धूप की मार गया जो खावा जाती है छुआरा है। खा एक ले लो।